और आप देख सकते हैं विष्णु दशा ढोलक उठा चुके हैं। आज होलिका दहन है। मैं समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को और जसूर वासियों को होलिका दहन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और कल होली है तो होली की भी समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को और जसूर वासियों को अग्रिम में बधाई शुभकामनाएं। ये होली का त्यौहार बुराई में अच्छाई की जीत का त्यौहार है। सबसे मेरा आग्रह होगा कि इस त्यौहार को सब शांतिपूर्वक मनाएं और इसमें दुश्मन भी गले मिलते हैं इस त्यौहार में। तो लोगों से आह्वान करना चाहूँगा कि छोटी मोटी अगर किसी से मनमुटाव भी है तो उसको भी भूल के नया जीवन की शुरुआत करें। और ये बहुत अच्छा आयोजन यहाँ पर हमारे जसपुर विधायक के फार्म हाउस में हुआ है, तो इस अच्छा आयोजन के लिए हम विधायक महोदया को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सर, पहली बार कोई सीएम जसपुर जिले में होना है। अब ये हमारा गृह जिला है, इसलिए हमारा फर्ज भी बनता था कि मुख्यमंत्री के दायित्व संभालने के बाद पहला होली अपने गृह जिला में अपने लोगों के बीच में मनाए। वैसे तो पूरा छत्तीसगढ़ ही अपना है, लेकिन ये चूंकि गृह जिला है इसलिए हमने समझा कि ये पहला होली अपने गृह जिले में ही मनाया जाए। सर, कांग्रेस पार्टी के लोग अपने प्रत्याशी की दूसरी सूची जारी नहीं कर रहे, क्या इस पर कुछ कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी डूबती हुई नैया है, अब उसमें छेद हो गया है, पानी भर रहा है और लोग कांग्रेस छोड़ छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ की ही बात नहीं है, पूरे देश की बात है। आप सब लोग देख रहे हैं कि आज कांग्रेस के टिकट से कोई सांसद का चुनाव भी लड़ना नहीं चाह रहा है। हमको तो जानकारी है कि कहीं कहीं पर मिला हुआ टिकट भी वापस कर रहे हैं। और आज यहाँ छत्तीसगढ़ में भी भारी बिखराव है कांग्रेस में। यहाँ भी हमारे अध्यक्ष जी बता रहे थे, किरण देव जी, कि उनके यहाँ कांग्रेसियों का तांता लगा है, सब भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करना चाहते हैं और ये लोग प्रत्याशी भी तय नहीं कर पा रहे हैं। और अंततः बस्तर क्योंकि फर्स्ट फेज में चुनाव है, 19 अप्रैल को चुनाव है और नॉमिनेशन चल रहा है, इसलिए आज गवासी लखमा को आज बलि का बकरा बनाया है। निश्चित रूप से हम लोग बस्तर लोकसभा भी और छत्तीसगढ़ का पूरा 11 का 11 सीट भारतीय जनता पार्टी को जिता के देंगे। और इस बार पूरे देश में, पूरे देश की जनता आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहती है और इस बार हम लोग का नारा है, अब की बार 400 पार। मेरे प्रिय छत्तीसगढ़ के वासियों, आप सभी को मेरा जोहार नमस्कार। हर्ष उल्लास और उमंग के रंगों से भरपूर होली का यह पर्व आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली लेकर आए। होली एक दूसरे के लिए प्रेम भाव और सहयोग को बढ़ावा देने वाला त्यौहार है। मैं आप सभी से प्रेम एवं सद्भावना के साथ सुरक्षित ढंग से होली खेलने और मनाने की अपील करता हूं। आप सभी प्रदेशवासियों को होली त्यौहार की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। जय जोहार।